Hey, how's it going, everyone? My name is Marip and welcome back, everyone, to my One Block World with Queen Jasmine. अरे देखो भाई, Queen Jasmine अभी भी वहां पर मजदूरी कर रही है भाई. मुझे जिंदगी में इतना दुख आज तक कभी नहीं हुआ जितना मेरे को इस सीरीज को खेल के लग रहा है, क्योंकि Queen Jasmine लिटरली बहुत ज्यादा काम करे. मुझे लगा था कि मैं इसको इस वर्ल्ड के अंदर लेकर आऊंगा और इसको मैं खुश रखूंगा कि लाइक यहाँ पे सारा का सारा काम मैं ही करूंगा, सारी मजदूरी, पर देखो वहां पे भी कबल स्टोन खोद रही है. जैस्मिन जी, आपको मैंने मना किया था, आप मत खोदो ना, आप जाओ वापस से, आप आराम करो. देखो मैंने आपके जानवरों के लिए कितना प्यारा सा फार्म बनाया था लास्ट टू लास्ट एपिसोड में, आप जाओ ना वहाँ पे आराम से. आप यहाँ पर इतनी मजदूरी कर रहे हो, मेरे को काफी ज्यादा बुरा लग रहा है. शक्ल देखो इसकी भाई, कितनी क्यूट, कितने इनोसेंट है. अरे क्या रख दिया, अरे आप चेस्ट ओपन करो. यो ओ माय, ये आपने किया है ये सारे के सारे कभी सुन आपने. ओ माय गॉड गाइस, लास्ट एपिसोड में मैंने Queen Jasmine को बोला था कि यार आप ना मेरे लिए थोड़े बहुत कबल स्टोन वगैरह खोद दो, एंड इस तरह देखो भाई कितना कर दिया. अरे आपको रुक जाना था, दो तीन स्टैक काफी थे, आ जाओ मेरे से, इधर आ जाओ आप यार. अब आप बिल्कुल भी वाला काम नहीं करने वाले, ठीक है ना, आप आ जाओ, आप अपने जानवरों के साथ खेलो. देखो वहाँ पे कितनी सारी मोमू काउज है, नॉर्मल काउज है, एंड वहाँ पे चमगादड़ घूम रहे हैं यार. लेकिन खैर उनको छोड़ो, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है. पीछे देखो आपके पिग्स वगैरह है बहुत सारे, यहाँ पे हमारे ये रैबिट्स वगैरह है, आप खेलो इनके साथ, ठीक है ना. मैं तब तक थोड़ा बहुत यहाँ पर मजदूरी कर तो भाई मेरे को बहुत बुरा लग रहा है गाइस. Queen Jasmine से इतना काम करवा के भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैंने बोला भी नहीं था इनको इतना करने के लिए, इतने सारे कबलस्टोन खोदे हैं कि मजा आ गया. अरे बाय द वे Queen Jasmine जी, मैं एक चीज भूल गया. अरे आप कैसे हो बताओ, ऑडियंस को बताओ, एपिसोड शुरुआत हो चुके हैं. नहीं, मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अरे आपकी कृपा से हम भी एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया, ठीक है ना. तो मैं जरा थोड़ा बहुत आप मजदूरी करता हूँ, आप थोड़ा चिल करो यार जिंदगी में, ठीक है, एंजॉय करो. जितना आप एंजॉय करोगे उतना हमें अच्छा लगेगा, मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा भाई मैं. एंड यहाँ पर एक मकड़ा आ गया, तेरी पकौड़े ऐसी की तेरे को तो मैं पेट भी नहीं बना सकता. मल्टीपल है भाई ये तो. हेलो ब्रो, व्हाट इज दिस? स्मार्टी जी थोड़ा संभल कर. हाँ जी हाँ जी, अरे आप टेंशन मत लो, मैं एकदम संभल के खेल रहा हूँ मैं, ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो यार. यार आप मरना मत. अरे Queen Jasmine जी, ऐसी कोई मकड़ी पैदा नहीं हुई है जो स्मार्टी भाई को मार सके यार. आप हमारे लिए डरना बंद करो, हम मरेंगे नहीं, ठीक है ना, हमें मारना इम्पॉसिबल है भाई. मैं तो बोलती हूँ कि ये जगह को आप बहुत अच्छा बना दो. कौन सी जगह की बात कर रहे हो आप? ये जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये जो मैं खोद रहा हूँ यहाँ पे, इस इलाके को. ओके ओके ठीक है. अब ठीक यार, एक बात बताऊं मैं आपको यार, एकदम सही बोला आपने. एक्चुअली गाइस, जो मैं यहाँ पर ये वन ब्लॉक को, अब बाय द वे तुम में से जिन लोगों को पता नहीं है वन ब्लॉक के बारे में, उन लोगों को मैं बता दूं, वन ब्लॉक का मतलब है ये इनफाइनाइट रीजनरेटिंग ब्लॉक है मुंह के सामने, जहां से हम लोगों को सारे के सारे रिसोर्स मिल रहे हैं. भागो 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 आप, इसको मैं मारता हूं. यहाँ से हम लोगों के सारे इन्फानाइट रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ हम लोगों को इस जगह को बड़ा बनाना है, सुंदर बनाना है, सर्वाइव करना है. एंड यही जगह को मैंने गंदा बना के रखा हुआ यार. Jasmine जी आपने एकदम सही बोला. एक काम करता हूँ मैं, इस जगह को मैं जरा थोड़ा ब्यूटीफुल बना के आता हूँ, एंड तब तक के लिए मैं जरा इस चेस्ट के अंदर अपना ये फालतू का सारा सामान ऊपर रख देता हूँ. थोड़ा बहुत सामान की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ओक लीव्स वगैरह होगी है, ये ले जाता हूँ, थोड़ा बहुत स्टोन के ब्रिक्स वगैरह ले जाता हूँ, एंड एक बकेट की जरूरत भी गाइस पड़ने वाली है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी है. इस जगह को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं. Queen Jasmine जी, hello hello, where are you? Just come here and check this कि मैंने क्या बनाया हुआ. कैसा लगा आपको ये? थोड़ा सा इलाका मैंने खुला कर दिया है. Looking, रुके, आराम से गिरना नहीं. I'm sorry. ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे ना. मैंने बस ये सिस्टम का यहाँ पे बस ये सीढ़ियाँ नहीं लगाई, क्योंकि मेरे को सीढ़ियाँ एक्चुअली हर जगह पे लगानी नहीं है, ये यूं करना है. एंड बाकी अरे परे का मेरे को ना क्लोज करना है एक्चुअली. तो इसके सेंटर से जाकर यहाँ से जाएंगे तो ये सेंटर वाला ब्लॉक है, इसके इधर को तीन है हमारे, तो इधर के लिए भी तीन होने चाहिए. 2-3, लेट्स गो. अब ये सेंटर में आ चुका है. कैसा लगा? ठीक लग रहा ना? है, लेट्स गो. अब आपने बोला और हम ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? बट एक दिक्कत है ना, ये वाला जो हमारा पेड़ है थोड़ा बीच में आ रहा है, तो मेरे को बस इस पेड़ को यहाँ पे निकालना पड़ेगा. एंड बाय द वे ये सिस्टम बहुत बेकार है, ये पेड़ खोदने का भाई, मेरे को ऑटोमेटिक ट्री वाला सिस्टम बनाना है, बहुत कुछ करना पड़ेगा यार, बड़ी दिक्कत है यहाँ पे. आ जाओ, एक काम करते हैं, इस सबसे सेंटर वाले हिस्से को ना अच्छे तरीके से एक बारी डेकोरेट वगैरह करते हैं. रुको, मेरे को यहाँ पे थोड़ी बहुत गाइस लकड़ियों की जरूरत पड़ने वाली है, एंड उससे पहले स्टोन्स वगैरह जो है ना, ये मैं फालतू के सारे ऊपर रख देने वाला हूँ.
मेरे को बस यहाँ पे ओक लॉक्स वगैरह की जरूरत पड़ने वाली है। आ जाओ जरा जी, एक काम करते हो जरा, इसको सुंदर बनाने के लिए जो कोने है ना हमारे, इनको हम लोग चेंज कर देते हैं। इनको हम लोग यहाँ पे लॉग्स लगाएंगे ऐसे करके, और इस पर्टिकुलर कोने में मैं लॉग्स वगैरह लगाने वाला हूँ। अब जैस्मिन जी ने बोला तो भाई जगह को सुंदर तो बनाना पड़ेगा भाई, अब सुंदर ना बनाए ऐसा कैसे हो सकता है ना। और मेरे पास गाइस एक आइडिया भी है। अब जैसे हमारे पास ये वाला पीछे का कोना एक्स्ट्रा बच चुका है ना, जैस्मिन जी आप खुद देखो जो पीछे का कोना एक्स्ट्रा जगह बची हुई है, यहाँ पर हम लोग कोई और चीज बनाएंगे, लाइक कोई ऐसा छोटा मोटा स्टोरेज रूम वगैरह, जहां पर हम लोगों को लाइक ऐसी कोई फालतू की लूट वगैरह सामने से यहाँ से मिल गई ना, तो वो सारे हम लोग सीधा बैक साइड पर रख सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा अच्छा लगने वाला। तो इसके सेंटर से तीन इधर के लिए आएंगे, ये इधर को तीसरा आ गया, एंड इधर से आते ही तीन इधर के ले आएंगे, लेट्स गो। और सेम टू सेम वही चीज हमको इधर के लिए भी करनी है, ये यहाँ पर एक, यहाँ पर 1 2 3 इधर के लिए, एंड 1 ए उल्टा लग गया भाई, उल्टा लग गया भाई, सॉरी 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 सॉरी, 1 2 एंड 3 इधर के लिए, एंड एक आखिरी बचा हुआ, इसको भी मैं कर ही देता हूँ। हाँ सेंटर में आपने जो ये लगाई है परफेक्ट लगाई हुई, एकदम क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर एक्चुअली में होनी चाहिए भाई साहब। क्वीन जैस्मिन मेरे को लगा था एक ऐसे होता नहीं बिगड़ैल जैसी क्वीन, लाइक अपने अमीर पिताजी के दम पे उछलने वाले लाइक उस टाइप की, बट ये एक्चुअली वैसी है नहीं है। क्या मतलब आप, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, अरे मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, नहीं नहीं अरे अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को लगा था, बट आप वैसे नहीं हो, आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत दयालु हो, आप क्वीन होते हुए भी मेरे साथ काम कर रहे हो। बाय द वे तुम्हें से जो नए नए लोग यहाँ पर आए गाइस, हमारे हेमलैंड्स जो कि लाइक तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, एंड अगर तुम लोगों को नहीं पता हेमलैंड का तो देखो हमारी सीरीज को भाई, हमारे 3 सीजन निकल चुके हैं हेमलैंड सीजन 3 सीजन 4 सीजन 5 के, एंड वो सारे के सारे बहुत धांसु हिट हो रखे आज के टाइम पे। तो भाई हमारे हेमलैंड की क्वीन है ये, और यहाँ पर वन ब्लॉक में हम मेरे साथ काम कर रहे, तो दैट्स वाई मैंने बोला, बट आप ऐसे बिल्कुल नहीं, आप बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड हो, है ना, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यस बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं आपको, एंड यस गाइज एक काम कर लेता हूँ ना, यहाँ पे हर जगह पे टॉर्चेस लगा देते हैं इससे पहले कि यहाँ पर बदसूरत लोग स्पॉन होने स्टार्ट हो जाए। क्वीन जैस्मिन जी आप एक बार सो जाओ ना प्लीज, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई बदसूरत प्राणी वगैरह स्पॉन हो जाए। ये इतना सुंदर बना है, इस पर एक लाइक तो बनता रहे गाइज, यार क्वीन जैस्मिन ने बोला तो एक लाइक तो मारो यार, इस वीडियो का लाइक है मैं गाइज पूरे के पूरे आई थिंक 1,40,000 लाइक्स, 1,40,000 लाइक्स इन 5 डेज, एंड गाइज चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करो यार, 6 मिलियन पहुंचा दो तुम्हारे भाई को। एंड ऑफ कोर्स गाइस मैंने ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है मेरे व्हाट्सएप चैनल की ब्रो, वहां पर भी आ जाओ, 1 लाख फॉलोवर्स करो, वहां पर हम लोग मस्त मस्त फोटोज वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। व्हाट्सएप पे आओगे तो भाई तुम लोगों को तो व्हाट्सएप तो भाई सबके पास होता है यार, फटाफट ज्वाइन करो गाइस फटाफट। आई थिंक अभी 33,000 हो चुका है, 50,000 तो कर दो इस एपिसोड के बाद, में मजाक नहीं कर रहा हूं। तो मैं सोचा क्वीन जैस्मिन जी इस जगह को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए ना चारों जगहों पे गेट्स लगा देते, क्या बोलते हो आप? आई थिंक एक मैं यहां से कितना इसको ऊंचा करूं मैं, 1 2 3 4 आई थिंक काफी होने वाला है, कैसा लगेगा आप मुझे बताओगे? मैं यहाँ पे 4 बड़े बड़े से गेट्स वगैरह लगा दूं तो ये हो गया। अभी देखो आप जो मेरे दिमाग में अच्छा लगेगा, ठीक है भाई, एक ये लग गया, ये मैं यहाँ पे यूं लगाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे यूं लगाऊंगा, ठीक है ना, और इसको मैं यहाँ पे यूं लगाकर आई थिंक अभी मुझे यहाँ पे स्लैब्स वगैरह की जरूरत पड़ने वाली है। चलो एक काम करते हैं ना गाइज, एक क्राफ्टिंग टेबल बना के इधर ही चिपका देता हूँ खोपचे में, एंड कुछ स्लैब्स की जरूरत पड़ने वाली है मुझे आई थिंक, और स्टेयर्स वगैरह की जरूरत पड़ने वाली है, तो 1 2 3 4 26 स्टेयर्स काफी होने वाली है। तो बाकी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये यूं लगाकर आगे के लिए चलेंगे एक्सटेंड करते हुए इसको, एंड जो हमारा दूसरी साइड वाला है ना इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको लगा दिया, इसको नीचे निकाल, इसको यहाँ पर लगा, इसको यहाँ पे डाल, ये देखिए मैंने कुछ बनाया है। ये क्या बनाया आपने? ओ दिस इज नाइस, एक्चुअली आपने अच्छा बनाया इसको, बट मेरे दिमाग में ना कुछ और चल रहा था जैस्मिन जी। रुको मैं आपको अभी इसके बाद बताऊंगा, ठीक है ना, वो चीज मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। सबसे पहले मेरे को थोड़े बहुत और, यार कितने कम है भाई, स्लैब्स की कमी हो रही है बार बार यार यहाँ पे कसम से। इसको एक बार हम लोग यहाँ पे अगर कंप्लीट करेंगे तो लेट्स सी फ्रॉम द फार अवे कि लग कैसा रहा एक्चुअली में। जैस्मिन जी कैसा लगा ये दरवाजा? थोड़ा बेसिक जैसा बन गया, इसको मैं और बढ़िया बना सकता हूँ अगर मैं इसके अंदर की साइड से अगर मैं यहाँ पे सीढ़ियां लगाऊं समथिंग लाइक दिस, और इस सेंटर वाले को तोड़कर यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ब्लॉक लगा देंगे। कैसा लग रहा है जी बताइए? एकदम भरा भरा सा, एकदम औसम सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? है ना, अच्छा लगेगा। हाँ सही है। आई एम हैप्पी कि आपको ये चीज पसंद आई है क्वीन जैस्मिन। यस अब ऐसे करके गए 4 गेट्स बनाएंगे हम लोग यहाँ पे ना, एक्चुअली पसंद आएगा। ऊपर का थोड़ा सिस्टम नॉर्मल हो गया, इसको मैं ऊपर से बढ़िया बना के आता हूँ एक बार। जरा ये अजीब लग रहा है, अरे अरे रुको, मैं बोल रहा था आपको ये मैं अभी यहाँ पे बढ़िया बनाऊंगा इसको, अभी आप मेरे को बस थोड़ा सा टाइम दो। देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं एटलीस्ट 1 या 2 ब्लॉक, रुको यहाँ पे मेरे को आई थिंक स्लैब लगाने पड़ेंगे, नॉट लाइक दिस, मैं स्लैब इधर लगाने वाला हूँ, ठीक है ना, एंड एक स्लैब गाइज मैं लगाने वाला हूँ इधर के लिए,
और अपन यहाँ से ऊपर के लिए जाएंगे। अभी देखो आप टेंशन मत लो, अरे भाई हमने बहुत बिल्डिंग्स वगैरह बना रखी है, बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्वीन जैस्मिन जी। अभी मैं इसको एकदम सुंदर बनाने वाला हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आई थिंक यहाँ पर अब हम लोग इसको अगर समथिंग लाइक दिस लगाएंगे तो अच्छा लगना चाहिए। चलो हो गया काम हमारा, और इन पेड़ों के ऊपर से निंजा हथौड़ी करते करते लेट्स गो डाउन। यस अच्छा लग रहा है यार, मैंने बोला था। चलो अभी काम करते हैं, कुंजम जी आप जाओ सो जाओ एक बार, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे सुबह हो जाए, एंड देन उसके बाद मैं इसको हर जगह पे कंप्लीट करके आता हूँ चारों डायरेक्शन में। यस ये अच्छा लगेगा फिर। एंड तब तक के लिए मैं एक काम करता गाइस, मैं ना इसको यहाँ पे तोड़ देने वाला हूँ, क्योंकि ना एक्चुअली में हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं यहाँ पे। हम लोगों को दूर से दिखना चाहिए कि कौन सा ब्लॉक हम लोग एक्चुअली में खोद रहे हैं। और बाय द वे गाइस, अभी तक मैंने यहाँ पर अपने लिए अच्छे वाले पिकैक्स नहीं बनाई है। द ओनली रीजन इज कि हमारे पास आयरन की बहुत ज्यादा कमी है भाई, आयरन के साथ रिस्क नहीं ले सकते भाई हम लोग, ठीक है ना। अपने को आयरन पूरा का पूरा इकट्ठा करके रखना है यहाँ पे, ठीक है ना भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो गाइस मैं काम करता हूँ, सेम ऐसे मैं गेट को हर जगह पे बना के आता हूँ। Few moments later. वाओ स्मार्टी जी अच्छा बन गया है ना एकदम, है ना मेरी क्वीन जैस्मिन जी। इनको बस यहाँ पे यूं लगाना था मैंने गाइस, ये सिस्टम ना बहुत एक्चुअली में लाइक लेजिट बोल रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत अच्छा बन चुका है। यहाँ पे अभी मैं एक काम करने वाला क्वीन जैस्मिन जी, यहाँ पर मैं इनको ना मिलाने वाला हूँ। आई थिंक स्लैब के साथ ही अच्छा लगने वाला है ना, सेंटर में जो मैं इसको मिलाऊंगा ये स्लैब के साथ ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि अभी तक गाइस हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पे स्लैब के साथ ही बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि स्लैब्स हमारे सस्ते भी आते हैं, लाइक हमारे 3 ब्लॉक के 6 बन जाते हैं ना, दैट्स व्हाई। एंड उसके अलावा रीजन ये नहीं है, मतलब मेन रीजन ये भी है कि दिखने में भी स्लैब ज्यादा बेटर लगता है। तो इसको यूं लाएंगे यहाँ पर, इसको यूं भी लाएंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ से आगे के लिए लेके जाएंगे। तो 1 2 3 इसको यहाँ से यूं करके मिलाएंगे, एंड आई थिंक 1 2 3, और यहाँ से भी जो तीसरा वाला है इसको यूं मिलाएंगे। ओ ये बॉयज एंड गर्ल्स, ओ यस एकदम मस्त लग रहा है नीचे से, लेट्स गो मैं आ रहा हूँ। ये सेंटर के इसको भी मिला देता हूँ ना मैं, क्या बोलते हो आप? ये जो हमारे सेंटर की लाइन है इनको भी ऐसे करके ना हम लोग अगर मिलाएंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से बढ़िया लगना चाहिए सिस्टम। हाँ जी क्वीन जैस्मिन जी कैसा लगा? अब देखो पेड़ों के पास में गुलाटियां मार मार के नीचे आऊंगा आराम आराम से, एंड लेट्स गो। ओ भाई साहब ऐसा लग रहा है कोई पुराने जमाने की स्ट्रक्चर है ना, कैसा लगा क्वीन जैस्मिन जी? हूं ना मैं एकदम औसम, क्या बोलते हो आप? आ जाओ अब एक काम करता हूँ फटाफट, यहाँ पर हम लोग ना इसको अपग्रेड करना भी स्टार्ट करता हूँ। ओ यहाँ पर एक रेड मशरूम मिला मेरे को, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए क्वीन जैस्मिन, बाउ डाउन करता हूँ मैं आपके सामने। ए ए, ए मैं और आप यहाँ पे मुंडिया क्यों चुपका रहे हैं भाई, आपस में अजीब लग रहा है। लो ये आपके लिए, ठीक है ना, आप इसको उगाकर एक नया एंड एकदम फ्रेश मशरूम भी बना सकते हो, बड़े वाला मशरूम है ना, आप इसको संभाल के रखो। इसको हम लोग उगाएंगे कहीं ना कहीं, हम लोग एक मशरूम बायोम जरूर बनाने वाले हैं इस फ्यूचर में, क्या बोलते हो? अच्छा लगेगा ना मशरूम बायोम, उसके अंदर बहुत सारे मशरूम पेड़ होंगे, वहां पे मशरूम काउ को रखेंगे हम लोग। ओ माय गॉड मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज का भाई, पूरा का पूरा मशरूम आइलैंड बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर भाई, बहुत मजा आएगा एक्चुअली में, है ना भाई साहब? मेरे दिमाग में ये चीज है ही नहीं। वेट वेट, अरे क्या कर रहे हो आप? अरे नहीं 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 भाई, फार्मिंग मत करो क्वीन जैस्मिन जी, इधर वापस आओ प्लीज, मत करो आप मत करो प्लीज, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। ए क्रीपर आ गया, क्रीपर आ गया, तेरी पकौड़े ऐसी की तैसी, बच गया मैं कसम से। यहाँ पर क्रीपर स्पॉन हुआ, एंड देखो तुम लोग गाइस हमारे को एक भी नुकसान नहीं हुआ, मैंने इसीलिए स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया हुआ। भाई तुम्हारा भाई है होशियार यहाँ पे, ठीक है ना, छोटा मोटा बंदा नहीं है। अरे क्वीन जैस्मिन जी आप ऐसा काम मत करो यार, ये फार्मिंग वगैरह का काम मैं करूंगा तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, आप मत करो यार, आपके कोमल हाथ से आप मतलब मजा। वेट क्या आया यहाँ पर अभी? आई थॉट कुछ तो आया, ये काम तो मैं कर ही सकती हूँ। अरे यार मतलब चलो फिलहाल के लिए आप कर दो, बट इसका मैं कोई ना कोई जुगाड़ करने वाला। गाइज यार मैं क्वीन जैस्मिन से काम नहीं करवा सकता हूँ, आई थिंक गाइज मुझे यहाँ पे ना ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि लाइक बस एक बटन दबाएगी क्वीन जैस्मिन, एंड एक बटन दबाते ही सीधा यहाँ पर अपने आप ही लाइक सारी की सारी फार्मिंग हो जाएगी, लाइक खाने का सामान, क्योंकि हम लोगों को गाइज खाने का सामान भी चाहिए। मेरे पास ना अभी सिर्फ यहाँ पे 11 ब्रेड बची हुई, हर बार नहीं तो ना ये हर बार यहाँ पे ब्रेड वगैरह बनाने के चक्कर में खोती रह जाएगी, अरे पर है ना। तो लेट्स डू वन थिंग, थोड़ा दिमाग का काम करते हैं एंड क्वीन जैस्मिन को काम करने नहीं देते हैं, ठीक है गाइस। मैं ना फटाफट थोड़ा बहुत ये ब्लॉक्स वगैरह मैं खोदने वाला हूँ, वाई क्योंकि हम लोगों को ये फेस भी खत्म करना है ना, अगले फेस की तरफ भी बढ़ना है। Alright guys, बहुत ही ज्यादा माल यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, फालतू को मुझे निकालना पड़ेगा। क्या मकड़ी है यहाँ पे कोई बात है? अरे 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 आप इसको मारने मत जाओ,
अरे मारेगी मकड़ी आपको, क्या कर रहे हो, चल 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 नीचे, इसको नीचे गिराना पड़ेगा भाई। वो लगवा था मकड़ी ने हमला नहीं किया क्वीन जैस्मिन पे। क्वीन जैस्मिन जी आप क्यों गए से लड़ने भाई, वहां पे आराम से खड़ी थी वो मकड़ी। एक्चुअली जब तक आप मकड़ियों पे हमला नहीं करोगे अंटी अनलेस इट्स नाइट, वो आप पे हमला नहीं करती है ना, आपने याद रखना इस चीज को। आपको उससे पंगे लेने की जरूरत नहीं खुद से, ठीक है। और यहाँ पे ना बहुत सारे फालतू का सामान आ चुका है, सब कुछ मैं ऊपर रखने वाला हूँ। एंड अपने लिए गाइस एक पिकैक्स बनाने वाला हूँ मैं दोबारा से, और एक एक्स बनाने वाला हूँ। इन दो चीजों को बनाते हैं एंड दोबारा से माइनिंग को स्टार्ट करते हैं। यो क्रीपर 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 क्रीपर, तेरी ऐसी की तैसी पकौड़े। यू ये कैसे आराम आराम चल क्या रहा है, लैग हो रहा है क्या मेरा सर्वर? नहीं 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 नहीं, और मैंने यहाँ पे ला दिया उसको गलती से। भाई साहब गलत जगह पे फाड़ दिया था, चेस्टों के बाद फटता तो दिक्कत हो जाती। जो एक फटका और मारूंगा तेरे को पकौड़े, अब तो तू मरेगा ही मरेगा बेचे। ओ माय गॉड, एक एम्प्टी मैप मिला मेरे को, और यहाँ पे कुछ स्प्रूस की सैपलिंग्स मिली, बहुत बढ़िया, काफी अच्छी लूट वगैरह मिल रही। भाई साहब नाइस, ओ फाइनली हमारा वाला फेज खत्म होता है। क्वीन जैस्मिन जब अगला फेज आने वाला है यार, अभी मैंने एक काम करने वाला हूँ, मैं अभी यहाँ पे एक सिस्टम बनाने वाला, मैं आपको बिल्कुल ये काम करता देख नहीं सकता फार्मिंग वगैरह। तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि मेरे को यहाँ पर एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना पड़ेगा। एक काम करना है, मैंने ये पेड़ वगैरह का जो सेंटर में लगाया मैंने, मुझे बहुत नूब की तरह शोर है, लाइक ऐसा लग रहा है कि मैं नूब हूँ यार। एंड तुम लोगों को पता तुम्हारा भाई प्रोफेशनल है भाई, माइनक्राफ्ट यूट्यूबर, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये एक पेड़ वाला सिस्टम कहीं और बनाना पड़ेगा। वेट, यू हैव रीच्ड फेज टू द अंडरग्राउंड, मैनी अ मॉन्स्टर रोम थ्रू डार्क हॉलोज। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग फेज टू पहुंच चुके हैं। आई थॉट हम लोग ऑलरेडी फेज टू के अंदर थे, बट द अंडरग्राउंड फेज अब जाके स्टार्ट हुआ है एक्चुअली में। ठीक है भैया, पहली बार चला पता मेरे को अभी ये, आई मीन ये भी ठीक है यार। एंड यहाँ पर बाय द वे मेरे पास ना फ्लिंट पड़ा हुआ है, ये फ्लिंट जो चीज है ये बड़ी काम की चीज है, फ्लिंट को अपन वेस्ट नहीं कर सकते। रुको सबसे पहले मैं सारे के सारे पेड़ उड़ा देता हूँ यहाँ से, है ना। जब ये सारे के सारे पेड़ उड़ जाएंगे तो हमारे पे यहाँ पे जगह बचेगी। वो ऊपर क्राफ्टिंग टेबल क्यों है, कहाँ पर कहाँ पर? अरे यार वो गलती से रह गई, सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, मैं उसको हटा के आता हूँ। एक्चुअली में ये गंदा लग रहा है यार, सही बोला इन्होंने, अच्छा उसने देख लिया यहाँ पे कसम से। जैस्मिन जी आई एम सो सॉरी यार, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली मैं इससे पहले ऊपर चढ़ा हुआ था तो मेरे को ना कुछ क्राफ्ट करने की जरूरत पड़ी, इसीलिए यहाँ पर पड़ी हुई थी। चलो हो गया मेरा काम, अब मैं नीचे आ रहा हूँ। छोटी छोटी चीजों को पॉइंट आउट करती है बंदी भाई, मतलब तेज है अपनी क्वीन जैस्मिन, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो क्वीन जैस्मिन जी, अब ये जो दो पेड़ है इनको मैं फटाफट यहाँ पर खोदता हूँ, बिकॉज हम लोगों को पेड़ों की जगह कोई और बनानी है। ऑटोमेटिक सब कुछ, ऑटोमेटिक सिस्टम रखना मैंने, एंड हमारे ये सब कुछ टूट जाएगा। इन सबको मैं हटाने वाला, यस थोड़े बहुत एप्पल्स वगैरह भी आ चुके हैं, नाइस ब्रो नाइस। चलो मेरे इन्वेंट्री में बहुत कुछ फालतू का पड़ा हुआ है, तो बता मैं कहना दू एस की यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ ना, ठीक है। जैसे इसको हटा दिया, इसको इनफैक्ट जो ये हमारी स्टोन की है ना, इसको नीचे निकाल और इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल बना दे, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो, है ना। और अब यहाँ से ये वाला सामान उठा देते हैं एंड इन सबको उठा के चलो भाई। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, खुला लग रहा है भाई, अपने को खुला और साफ सफाई चाहिए भाई जगह पे, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं। देखो ना ये वाला इलाका एक्चुअली में अच्छा लग रहा है भाई साहब, लग रहा है म्यूजियम जैसा है भाई। दिस इज एक्चुअली बेटर, नॉट इवन जोकिंग मैन। ओ वेट व्हाट, यहाँ पे स्नो आ गई है। ओके वेट, मेरे को तो इसके लिए एक वो बनाना पड़ेगा। देखो सामने स्नो है जैस्मिन जी, सामने जाके देखो आप, वहां पर बहुत सारी स्नो। अभी आपने इसको तोड़ना मत, ठीक है ना, मैं आपके लिए अभी बहुत सारी स्नो वगैरह निकालने वाला एक्चुअली में, टेंशन मत लो आप। एक शवल की जरूरत पड़ने वाली है बस मेरे को, और ये लैदर को मैं नीचे फेंक देता हूँ। चलो यहाँ देखो, ओ यस लेट्स गो। आई थिंक हम लोग स्नो इकट्ठी हुई कि नहीं, कहाँ गई स्नो भाई, मेरे को बस स्पेस में, यस 16 स्नो आ चुकी है। लो आ जाओ खेलो आप, ये लो थोड़े बहुत मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसके साथ खेल सकते हो। कैसे खेल सकते हैं यहाँ देखो, ऐसे आप राइट क्लिक करोगे ना तो आप ऐसे मार सकते, मेरे को भी मार सकते, आपको मैं भी मार सकता। लेट्स गो, बट इसको वेस्ट नहीं करते ना, ये हमारे बहुत काम आएगा। मैं आप ओ माय गॉड, मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज दिखाऊं, जैस्मिन जी एक बहुत ही कमाल की चीज दिखाऊं, आप मेरे को वापस पकड़ो, सारे के सारे स्नो पकड़ो मेरे को। लेट मी शो यू समथिंग वेरी 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 स्पेशल, ओके। आपको आई थिंक वो चीज बहुत ज्यादा पसंद। अरे यार एक की कमी होगी, मैंने वेस्ट कर दिया एक्चुअली में, पागल तो मैं हूँ कसम से। बट चलो एक सेकंड का मुझे आप टाइम दो जरा, कुछ यहाँ पर फालतू का सामान है, इन सबके सबको मैं ऊपर रख देने वाला एक बारी, ठीक है। आ जाओ जैस्मिन जी, I am gonna show you something, okay? Something very, very, very special and something very, very, very cute. यहाँ पे कुछ pumpkins वगैरह पड़े होंगे शायद से हमारे पास। Yes, मेरे को एक इसकी जरूरत है। और मैंने यहाँ पर guys इससे पहले I think रखा तो था। जैस्मिन जी यहाँ पर हमारे पास एक वो पड़ी हुई थी। Yes, ये shears। आ जाओ, इधर आ जाओ। But हाँ, हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, इसको थोड़ा safe रखना पड़ेगा। आ जाओ मेरे साथ आ जाओ आप। Are you ready? Are you ready?
यस चलो आज मैं दिखाता हूँ। इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। ये क्या बना रहे हो? अरे जस्ट वेट एंड वॉच। लेट अरे इधर आओ लो शेयर्स लो। इसके मुंह के ऊपर आप राइट क्लिक करो, एक बारी करो, कम ऑन करो डरो मत। लेट्स गो। ये क्या है यार, देखो इसके अंदर आके खेलो। रुको पहले मुझे शेयर्स पकड़ाओ। बाहर निकल गया, ये बाहर निकल, कोई नहीं इसको रहने दो। ये कितना क्यूट है ना, कैसा लगा आपको? क्यूट लगा कि नहीं लगा? आप खेलो इसके साथ, ठीक है? बस चिकन वगैरह आपने आजाद कर दे, बट कोई नहीं है, खेलो आप इसके साथ। एंड गाइस जब तक हमारी क्वीन जैस्मिन इसके साथ खेल रही है ना, मैंने जानबूझ के बनाया ये पंपकिन गोलम, क्योंकि मेरे को एक्चुअली में अभी यहाँ पे और काम करने हैं भाई। समझ नहीं रही है क्वीन जैस्मिन, ये जब सामने होती है ना तो मैं काम नहीं कर पा रहा। ए जैस्मिन जी, आप जाओ खेलो उसके साथ, आप खेलो उसके साथ, आप टेंशन मत। हाँ आप इसको कुछ खिला वगैरह सकते हो, वो अलग बात है, जाओ आप मजे करो इसके साथ थोड़ा सा। एंड मैं अभी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करके आता हूँ, मेरे लिए काम करना काफी ज्यादा जरूरी है मैन। तो गाइस क्या है, जब तक हमारे पास ये आ रहा है गाइस, बेसिकली जो ये हमारे ये स्नो गोलम्स होते हैं ना, इनसे हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स ये निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं अपना, स्नो बॉल्स वगैरह, ठीक है? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये तो भाई आइस पैक है यार, ये जो आइस पैक वगैरह, इसको तो मैं मतलब सिल्टस से निकाल सकता, सिल्टस बोलते क्या बोलते हैं, हाँ सिल्टस से मैं इसको निकाल सकता रहा एज इट इज, बट ऐसे निकालना बड़ा इम्पॉसिबल है यार। चलो गाइस फिलहाल को हम लोग अपने अलग फेज में तो आ चुके, तो फिलहाल को ना मेरे को ये फेज वगैरह के गेम खेलने की जरूरत है। फिलहाल को फेज हमारा ये वाला बेस्ट है। अभी मेरे को ना ऑटोमेटिक वीट फार्म बनाना, पर बनाऊं कहाँ पे सोच रहा हूँ। देखो गाइस क्वीन जैस्मिन का घर तो यहाँ से ऊपर है, यहाँ पर सामने कबलस्टोन फार्म है ना, तो मैं सोच रहा हूँ फार्मिंग के लिए एक पर्टिकुलर जगह बनाते हैं। देखो हमारे पे गाइस तीन एंट्रेंसेस अभी और है, लाइक दो एंट्रेंस, एक ये वाली एंट्रेंस जो आगे के लिए हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, और एक एंट्रेंस हमारी ये वाले, यहाँ से ऊपर भी हम लोग आगे के लिए कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ से आगे के लिए मैं फार्मिंग के लिए तो वेस्ट नहीं करूंगा इस जगह को, सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ से इधर के लिए चलते हैं, पीछे के लिए, ठीक है? इसको इधर के लिए एक्सटेंड करके एंड यहाँ से आगे हम लोग बनाएंगे अपने फार्म्स वगैरह, ठीक है? तो यहाँ पर गाइस मैं क्या करने वाला, एक नॉर्मल सा एक सिस्टम बनाने वाला ऐसे करके, ठीक है? और मैं इसको गोल नहीं बनाने वाला, लाइक गोल सिंपल बनाते हैं इसको एकदम सीधा सीधा करके। All right, boys and girls, इतना सिस्टम काफी है भाई, यहाँ पर हम लोग बढ़िया से ऑटोमेटिक फार्म्स वगैरह बना सकते हैं। बल्कि थोड़ा सा और बड़ा बनाना तो चाहिए वैसे मेरे को, बट चलेगा यार। हालांकि ये वाला कबलस्टोन फार्म यहाँ पे एक्चुअली में अजीब तो लग रहा है, बट कोई नहीं है फिलहाल के लिए, फिलहाल को ये चलेगा। मेरे को बस यहाँ पर बहुत सारी डर्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है, दैट्स इट। पहले तो मैं इन सबको निकाल देता हूँ यहाँ से, जितने भी वीट है, एक भी वीट यहाँ पर वेस्ट नहीं होनी चाहिए भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड अब यहाँ पर जो ये इतने सारे ये डर्ट है, ये भी वेस्ट नहीं होने चाहिए बाय द वे, है ना गाइस? तो लेट्स डू वन थिंग, इसके नीचे जाके ना मैं यहाँ पे हर जगह पे सिस्टम बना देता हूँ ये वाला, ठीक है? और इसको बस एक्सटेंड करना होगा बाद में, क्योंकि ये डर्ट वेस्ट नहीं होने चाहिए। हमारे पास लकड़ियों की कमी नहीं है, बट डर्ट की कमी जरूर होती है गाइस। वन ब्लॉक के अंदर डर्ट भी बहुत ही ज्यादा रेयरली मिलती है, लाइक बहुत ही कम मिलती है ना यार, दैट्स व्हाई। चलो अब इसको हम लोग इजीली तोड़ सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू डू वन थिंग, पानी को जरा साइड से नीचे फेंक देंगे और इस पर्टिकुलर पानी को निकालते हैं। पानी फिलहाल को मैंने यहाँ पे इन्फिनाइट सोर्स भी नहीं बनाया पानी का, भाई पागल हूँ मैं एक नंबर का। हालांकि मेरे यहाँ पे बकेट्स वगैरह पड़ी हुई है, आ चुकी थी दो चार बकेट्स, बट स्टिल ऑल राइट। तो सारे के सारे ब्लॉक्स हमने निकाल दिए भाई अच्छे तरीके से, एंड फिलहाल के लिए मेरे पास और क्या, छोड़ो यार यहाँ पर ना कहीं रिवेट वेट ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, जो बीच के छेद बचे हुए ना, गलती से क्वीन जैस्मिन आई और बीच से नीचे गिर गई तो टपक जाएगी भाई बिल्ली, है ना? तो वो चीज का ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल 64 एंड 42 आई थिंक इतनी डर्ट्स काफी होनी चाहिए, बट स्टिल यार थोड़ी बहुत डर्ट्स आई थिंक और भी पड़ी हुई है, वैसे तो 41 डर्ट्स और पड़ी हुई है। आई थिंक फिलहाल के लिए इतनी ही डर्ट्स के साथ चलते हैं एक बार आगे। चलो एंड वहां पर दो बदसूरत क्या कर रहे हो भाई तुम दोनों यार, व्हाट आर यू गाइस डूइंग देयर ब्रो? हैं आजा तू मेरे नजदीक आ एक बार, तेरे को मारेंगे कौन क्रीपर्स, समझा बदसूरत? हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इलाके पे तेरी खड़े होने की? कोई यहाँ पर बिना हमारे परमिशन के नहीं आ सकता है। चलो ऑल राइट, तो गाइज देखो यहाँ पर अपने को सिस्टम जो बनाना है उसका कलेक्टिंग सिस्टम अगर यहाँ पर आएगा तो आई थिंक यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं ना, यहाँ से समथिंग लाइक दिस, एंड ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 इन दोनों को निकाल दे भाई, 8 का काफी होगा इधर के लिए बना, पीछे के लिए 4 5 6 है ना, इतना काफी होगा। 8 6 कितने होते हैं, 48 होते हैं ना भाई, तो 48 चीजें हमारी यहाँ पर उग सकती है। एंड उसके अलावा मेरे को एक स्टेप ऊपर के लिए बनाना पड़ेगा, आई थिंक ये प्लेटफॉर्म छोटा पड़ने वाला है गाइस, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म को मेरे को, कितना करना पड़ेगा मैं एक बार गैस करता हूँ, 3 4 5 6 हाँ, यहाँ से एटलीस्ट मेरे को
चार एक ब्लॉक आगे और जाना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ मैं 6 ब्लॉक आगे चल जाता हूँ एक बारी, एंड इतना इसको मैं और आगे के लिए एक्सटेंड कर लेता हूँ। मुझे बस तुम लोग गाइस 10 सेकंड दो। 10 seconds later. All right, boys and girls, बन चुका है हमारा सिस्टम एकदम बड़ा। एंड दोबारा से कोई जैस्मिन आ रही भाई, इधर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मुझे पूछे कि आप क्या बना रहे हो, मैं क्या बोलूंगा इसको। यार छोड़ा अंदर उसके बारे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई साहब, आ जाओ इसको मैं कंप्लीट करता हूँ अच्छे तरीके से। एंड यहाँ पे डर्ट्स वगैरह लग जाएगी, यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगा ऐसे करके। ये क्या बना रहे हो? जो मुझे लगा था वही हुआ। जैस्मिन जी ये मैं अभी कुछ तो मैं सिस्टम बना रहा हूँ यहाँ पे, आप टेंशन मत लो, आप अभी आराम करो, जाओ आप, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ मैं क्या बना रहा हूँ, एक बहुत ही मस्त चीज बना। ए वेट 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 वेट, नो वेज डूड, दिस कांट बी हैपनिंग यार। मैं भाई पागल हूँ क्या? मैंने क्या हुआ जी? अरे जैस्मिन जी मुझे एक्चुअली में जब हमारे पास लाइक ये स्टोन वगैरह खोदने वाला फेज आया था, तो मैंने बहुत सारे रेड स्टोन वगैरह खोदे थे, बट रेड स्टोन है ही नहीं यहाँ पे। आई थिंक वो क्रीपर फटा था लास्ट एपिसोड में, तो उस टाइम पे चला गया भाई वो सब कुछ यार। मैं क्या लिख रही, अरे रेड स्टोन, हाँ रेड, अरे आपके पास रेड स्टोन है? ओ माई गॉड, दे दो मेरे को, दे दो। ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच भाई। आई थॉट कि रेड स्टोन ही नहीं है। क्वीन जैस्मिन जी भाई बचा दिया आपने, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे ना बस 1, 2, 3, 4 रेड स्टोन की जरूरत है। जैस्मिन जी आप एक काम करो, आप ऊपर जाके सो जाओ ताकि यहाँ पे नाइट स्किप हो जाए। ब्रो बचा दिया क्वीन जैस्मिन ने, आई एम नॉट इवन जोकिंग, एक्चुअली बचा दिया क्वीन जैस्मिन ने भाई, वरना अभी ऐसे फंस जाता ना मैं यहाँ पे कसम से। एंड मुझे यहाँ पे ना एक आधी स्ट्रिंग की और जरूरत। रुको रुको, सोना मत, बाहर तो आप एक बारी, मेरे को ना एक आधे मॉन्स्टर मारने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक्चुअली जैस्मिन जी उसकी जरूरत है। देखो ये इसका बेड है यहाँ पे एक्चुअली में, मेरे को यहाँ पे एक आधे मॉन्स्टर मारने पड़ेंगे, कोई है नहीं क्या यहाँ पे? मेरे को एक्चुअली में यहाँ पे कुछ एक मकड़ियों की वेट, आवाज आई मेरे को मकड़ी की, आ जा शाबा मेरा मकड़ू, और तो नहीं यहाँ पे मकड़ी आस पास? बस एक भी काफी है भाई, एक भी काफी है, थैंक यू सो मच मकड़ू। एक और दिखा, तू मेरे को मारेगा पकौड़े, तेरी इतनी मजाल, चल निकल यहाँ से। ओ भाई ये सिस्टम बहुत बढ़िया लग रहा है यार हमारा सेंटर वाला। ए मैं आ रहा हूँ, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? मैं आ रहा हूँ, सॉरी, क्या हुआ? आप कैसे मकड़ी? तो नीचे, मैं मारेगा इसको। ओ माई गॉड कितनी मकड़ी है भाई, बच गए आप? और तो नहीं यहाँ पे, यही थी ना आखिरी? ओ भाई आप एक काम कर, आप सो जाओ जल्दी जल्दी ताकि और मकड़ियाँ वगैरह स्पॉन ना हो। हमारे पास एक्चुअली खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत है भाई यहाँ पे। मेरे पास गाइस अब यहाँ पे 31 वीट पड़ा हुआ है ना, एटलीस्ट मैं इसे काम करता हूँ, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ब्रेड वगैरह बनाकर खा लेता हूँ इसको मैं। भाई साहब बच गई अभी यार ये। ओए ये मैंने पहली बार देखा ना मुन्ना भाई, हेलो, ये क्या सीन है भाई? मैंने पहली बार देखा इस चीज को भाई, कि मतलब स्केलेटन्स भी पहनते हैं पंपकिंस को, व्हाट द हेल मैन। चलो बढ़िया ही हो गया, मैंने पहली बार देखा तो सही, कम से कम आ जाओ गाइस। अभी मेरे को बस एक काम करने का है, अलग अलग कॉम्बिनेशन वाली वुड्स लेकर आता हूँ एक बारी, जैसे कि हमारी स्प्रूस के लॉग हो गए हैं। एंड अरे यार स्पेस ही नहीं है भाई, दोबारा से सारा का सारा स्पेस ऐसे जाता है ना भाई इन्वेंटरी के अंदर से, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई बिल्कुल भी। हेलोवीन है ना, इसीलिए अभी ना समझ हो आप भी ना समझ। अरे सॉरी, हाँ सही वाला क्वीन जैस्मिन, ना समझ तो भाई मैं हूँ यार, क्योंकि अभी भाई हमारा हेलोवीन चल रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर पंपकिन पहन कर आया हुआ है। ओके, समझ गया हूँ मैं क्वीन जैस्मिन जी, मैं समझ गया हूँ। हाँ मैं यहाँ पे स्प्रूस के लॉग्स, ये वाले लॉग्स निकालने वाला था बहुत सारे, थोड़े बहुत ये भी निकालता, चलो अब चलते आगे के लिए है ना। जो सबसे मेन चीज है वो तो भूल ही गया, मुझे डर्ट्स वगैरह भी निकालनी ही पड़ेगी यार। एंड डर्ट को नीचे निकाल कर इस पर्टिकुलर जगह को पूरा का पूरा ऐसे करके अच्छे तरीके से भर देते हैं। एंड अब देखो गाइस हम लोग को जो सिस्टम बनाना है उसके लिए आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि प्लैंक्स निकाल भाई तो एक बारी, और इसको बैक साइड के लिए भर देते एक बारी, ठीक है ना गाइस। एंड इसको यहाँ से ऊपर के लिए भर देते हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिस्टम कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि मतलब ये सही लगे एकदम। देखो अब एक काम करते हैं यहाँ से, रुको भाई मेरे पास कमी होगी इसकी बहुत ज्यादा यार, 64 प्लैंक्स निकाल देते हैं यहाँ पर हम लोग, और इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। एंड इस जगह को हम लोग पूरे तरीके से अच्छे तरीके से ऐसे करके भर देने वाले हैं, ठीक है ना। हम लोगों को एजेस को यहाँ पर पूरे तरीके से अच्छे से भरना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पानी वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, और पानी बाहर गिरना नहीं चाहिए, जो भी पानी होगा यहाँ पर सेंटर में ही आना चाहिए, दैट्स इट। एंड यही सेम चीज को गाइस दूसरी साइड के लिए भी अभी फटाफट रिपीट करवाते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके ये हो गया हमारा कंप्लीट, यस। एंड अभी मेरे को गाइस देखो ना, यहाँ पर हम लोगों को ऑब्जर्वर या तो हम लोग डिस्पेंसर का काम कर सकते हैं, मेरे को इसीलिए इस चीज की जरूरत थी। एक चीज मेरे को और बनानी पड़ेगी आई थिंक यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यहाँ पर बहुत सारी स्टिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। आई थिंक मैं 2 बोज बनाने वाला हूँ, एक
दो और एक बो तो हमारी ये वाली है ही है, मुंह के सामने कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो अगर हम लोग बो को यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे एंड हम लोग अगर आई थिंक स्टोन की जरूरत पड़ने वाली, रुको मैं एक सेकंड आया। हाँ तो मैं गाइस तुम लोगों को बोल रहा था अगर मैं इसको यहाँ पे यूं रखूंगा तो एक बनेगा डिस्पेंसर एंड हम लोगों को ऐसे मल्टीपल डिस्पेंसर्स बनाने पड़ेंगे। आई थिंक मैं फिलहाल के लिए गाइस दो डिस्पेंसर्स बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। दो डिस्पेंसर के साथ एक बार सिस्टम को चला के देखते हैं। एंड मेरे को अभी यहाँ पे थोड़े बहुत ही और निकालने पड़ेंगे नीचे एक लेयर, इसको बैक साइड के लिए और यहाँ पर हम लोग एक्सटेंड करेंगे एंड एक दो डिस्पेंसर को एक बार इधर एक डिस्पेंसर को यहाँ पे लगाऊंगा, एक डिस्पेंसर को यहाँ पे लगाऊंगा एंड अगर मैं इसके अंदर पानी डालूँ, रुको मेरे को ना पानी की एक और बकेट लेकर आनी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना ये मतलब ऐसा बनना चाहिए जो मतलब मजा आ जाए एकदम यार बिल्कुल। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर चीज़ है भाई यहाँ पे, इसको मैं अच्छे से कंप्लीट करता हूँ एक बारी इधर के लिए, इसको चौड़ा करके नीचे नहीं करना है भाई मेरे को, मैं तभी बचाऊंगा यार, क्वीन जैस्मिन गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो चलो मेरे को यहाँ पर अभी अपने लिए एक बार क्या बना रहे हो इतनी मेहनत करके, अरे जैस्मिन जी थोड़ा सा समय दो आप, बस मेरे को थोड़ा सा समय दो आप, बाकी देखो फिर आप स्मार्टी भाई क्या बनाएगा। अभी मैं आपके लिए कुछ सिस्टम बना रहा है बढ़िया सा एंड लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस एज वेल। ये बहुत पतले पतले रोड है भाई मैंने बनाए हुए यार, नीचे गिर जाऊंगा अभी बताओ। अरे यार मैं आपको अभी बताऊंगा फिर आप मतलब मना ही कर देते हो मेरे को हमेशा यार, कोई भी काम करता हूं आपके लिए मैं तो उसके लिए तो मैं इसलिए बता नहीं रहा हूं आपको सच्ची में, बट चलो अगर आप इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। आप इससे पहले वो काम कर रहे थे ना वहां पे खेती बाड़ी का काम, तो मुझे लगा कि यार मैं क्यों ना यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम बना दूं। सो राइट नाउ आई एम मेकिंग ऑटोमेटिक व्हीट फार्म, ऑटोमेटिक पोटैटो फार्म, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, ठीक है ना। वो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूं, मैं देख नहीं सकता आपको काम करते हुए, पर क्यों मैं कर लेती ना। अरे नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, यही इकलौती जो मैं नहीं दूंगा आपको ये सब काम करने, ठीक है ना भाई। आप ये सभी कुछ करते हुए अच्छे नहीं लगते हो मेरे को। दो बटन्स है हमारे, तो ये देखो यहाँ पर लगेगा, अगर मैं इसको दबाऊंगा, इसको मैं दबाऊंगा तो दोनों को दोनों जाएंगे नीचे। लेट्स गो एंड वेट, व्हाट ये क्या सिस्टम है भाई, पानी आधे में खत्म हो गया। आई थिंक वी कैन नॉट डू लाइक दिस, ओके। यही चीज था जिसका मुझे डर था, आई थिंक मुझे यहाँ पे एक और बनाना ही पड़ेगा सेंटर के लिए। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं और एक और डिस्पेंसर बनाने पड़ेगा। ओह माय गॉड मुझे तीसरी की जरूरत है यार, मुझे यहाँ पे अब तीसरी उसकी जरूरत पड़ने वाली है एक्चुअली में। मुझे जरा वापस पकड़ाओगे आप ये? नहीं कुछ जैस्मिन मैं आपको नहीं दूंगा करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं भाई। आप बस देखो अभी स्मार्टी पर यहाँ पे एक सिस्टम बनाएगा बहुत तगड़े वाला एंड आई थिंक जितना मेरे को याद है पानी हमारे पास होना, आई मीन पानी तो है पड़ा होगा तीसरी बकेट भी, बट हमारे पास शायद से वो नहीं है, बकेट नहीं शायद से हमारे पास। वेट, अरे 11-26 आयरन पड़ा रहा है। ए भाई ऊपर देखो गाइस एक और बकेट पड़ी हुई है, एक और बकेट पड़ी हुई है हमारे पास। टेंशन नहीं लेने की भाई, जब स्मार्टी पाए है अब गाइस मुझे बस एक काम करना और पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बस एक सिस्टम बनाते हैं जहाँ पर हम लोग अभी इन्फाइनाइट सोर्स बनाना पड़ेगा यहाँ पे पानी का एक्चुअली में। यार मैंने देखो ध्यान नहीं दिया, इन्फाइनाइट सोर्स ही नहीं है पानी का फिलहाल के लिए तैयार हमारे पास। चलो ये बन गया है यहाँ पर एंड इसको तोड़ना पड़ेगा। क्वीन जैस्मिन नीचे मत गिरना प्लीज, ओके थोड़ा सा आप दूर रहो बस एक बारी। और अभी क्या करूंगा गाइस, एक पानी के बकेट को यहाँ से नीचे गिराता हूँ मैं, ठीक है ना। एंड बिकॉज यहाँ पे ना थोड़ा इसको सुंदर बनाना पड़ेगा, सिंपल सिस्टम नहीं बनाना है मेरे को, बस थोड़ा सा फैंसी होना चाहिए। चलो इसको मैंने यहाँ से नीचे के लिए अच्छे तरीके से एक्सटेंड कर दिया हर जगह पे। ऊपर वापस चलो, पानी की इस एक बकेट को बाहर निकालता हूँ मैं एंड अब नीचे के लिए इसको नीचे के लिए एक्सटेंड करते हैं उधर के लिए यूं करके। लेट्स गो एंड अभी गाइस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक बेसिक से बना देता हूँ ना यूं करके। आ जाओ भाई यार क्या ही फर्क पड़ता है फिलहाल को, आई जरा क्वीन जैस्मिन थोड़ी सी जगह दो मेरे को, आप 2x2 का बन चुका है, तू पहले आ जा भाई और तू दूसरे में आ जा भाई, यूं करके ये बन गया हमारा इन्फाइनाइट सोर्स पानी का एंड इसको हम लोग यहाँ पर डालने वाले हैं, इसको हम लोग यहाँ पर डालने वाले हर जगह पे, ठीक है ऐसा करके। आई थिंक मैंने गलत कर दिया, इसको ऊपर के लिए करना चाहता मेरे को ऐसे करके, देखो ना। अरे बाहर को कह, नहीं 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 नहीं, हम लोगों को सिर्फ इन चारों के ऊपर डालना है इसको। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पर बन चुका है हमारा इन्फाइनाइट वाटर सोर्स जो कि दिखने में भी अच्छा लग रहा है एंड अभी वी कैन डू वन थिंग, इसको पूरा का पूरा बंद कर लेते हैं एंड इसको तोड़ देते हैं। चलो अभी इसको मैं तोड़ेगा, अरे क्वीन जैस्मिन जी आप मत करो यार, आप मजदूरी कर रहे हो फिर से। नहीं, आई कांट सी दिस मैन, आप एक काम करो आप सो के आ जाओ जल्दी जल्दी बस, बाकी कोई दिक्कत लेने वाली दिक्कत नहीं, आप बस सो के आ जाओ फटाफट से, ठीक है। तो गाइज 1, 2, 3 आई थिंक अभी ये काम करना चाहिए यार, मतलब जब तीन वाटर सोर्स सामने से आएंगे तो शायद से नीचे गिरना चाहिए जितना मेरा दिमाग मुझे बोल रहा है, ठीक है। तो 1, 2, 3 तो तीनों को हम लोग यूं करके दबाएंगे समथिंग लाइक दिस, तो तीन जगह जब पानी निकलेगा तो। अरे नहीं अभी भी नहीं हुआ, क्या मतलब भाई। वेट, अगर मैं यहाँ पे इस एक ब्लॉक को तोड़ दूंगा है ना, और अगर मैं इस एक ब्लॉक को
तोड़कर यहाँ से नीचे लगाऊंगा इधर के लिए, तो क्या ये फ्लो करेगा? ओ चलो जी, काम हो गया हमारा, बस एक लेयर तोड़ने में कोई वाली, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। क्वीन जैस्मिन जी आप गायब हो जाइए प्लीज यहाँ से, मेरे को काम करने दीजिए, मैं क्योंकि आप यहाँ पर रहोगे ना तो आप भी काम करना स्टार्ट कर दोगे मेरे साथ, मुझे पता है आपका। दैट आई कांट सी मैन, दैट आई कांट सी दैट यू आर वर्किंग ओवर हेयर विद मी। ओके समझ गए आप, तो इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। चलो भाई आप देखो, तुम लोग गाइस आई थिंक अगर मैं इसको बंद करके दोबारा से चालू करूंगा, इसको बंद करके अगर मैं दोबारा से इसको चालू करूंगा तो शायद से हो जाना चाहिए। यस लेट्स गो। ए वेट 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 वेट, व्हाई ये आधा अधूरा क्यों रहता है भाई? हेलो, ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई है। खैर छोड़ो, इसका मैं जुगाड़ कोई ना कोई और कर दूंगा, फिलहाल को इसको बंद करते हैं यहाँ से। एंड या गाइस लग काफी सुंदर आई ये चीज यार। ऑलराइट गाइस, इसको फाइनलाइज करने की बात। व्हाट जैस्मिन जी, ये क्या बनाया आपने? हेलो, ओ भाई इसने शावर सिस्टम बना दिया अपने नहाने के लिए। अरे भाई नाइस यार, अब माइनक्राफ्ट के अंदर पानी नहीं पी सकते तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते भाई। वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस। देखो यहाँ पे आ जाओ, साथ में नहाते आ जाओ एक बारी। नहीं छी भाई, ये क्या बोल दिया मैंने, बिल्कुल भी नहीं, आप अकेले नहाते रहो, उसको पानी को ज़रा वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना? हेलो जी, ओ माय गॉड यार। अच्छा सुनो जैस्मिन जी, आपको और रेड स्टोन कितने पड़े हुए यार? मुझे रेड स्टोन की थोड़ी बहुत और जरूरत पड़ने वाली है, मेरे को देव जरा आप एक बारी। मैं आपको अभी उधर मत आना आपने, ठीक है ना भाई? जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ उसके पास आपने बिल्कुल भी नहीं आना है अभी, एंड मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ थोड़ी देर के अंदर अंदर, ठीक है? हाँ बिल्कुल भी टेंशन मतलब, बस सारा दे दो, जितने भी रेस्टोरेंट सब दे दो आप मेरे को, सब दे दो सब दे दो। मैं इसको सेफ रखने वाला हूँ, ठीक है ना? सब पकड़ाओ आप मेरे को एक बारी। इतना ही है और तो नहीं है? और तो नहीं है? नहीं, 32। ओ माय भाई साहब, दिस इज गुड एक्चुअली। तो गाइस व्हाट आई हैव टू डू इज कि मेरे को एक बार यहाँ पर अपने लिए रेड स्टोन के आई थिंक टॉर्चेस बनानी पड़ेगी, एंड मेरे को एक और चीज की जरूरत है। हाँ मेरे को यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की, जो है हमारे स्टोन की, ठीक है भाई? तो 16 स्टोन भी निकाल देते हैं। मुझे एक रिपीटर बनाना पड़ रहा है एक्चुअली गाइस। आई थिंक कैसे बनता है रिपीटर, मैं भूल गया उसकी, यूं करके बनता है या फिर कोई और रेसिपी है इसकी, और मे बी यहाँ पे एक नॉर्मल एक रिपीटर आई थिंक काफी होने वाला है। चलो 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 चलो, क्योंकि हम लोगों को सिस्टम को छुपाना भी तो पड़ेगा, ऐसी थोड़ी हम लोग इसको सामने सामने रख सकते हैं। एंड एक और चीज है गाइस, मैं यहाँ पर अभी अपने लिए बनाने वाला हूँ बहुत सारा होए की जरूरत भी पड़ने वाली है। होए समझो तुम लोग क्या होता है, होए का मतलब होता है गाइस ये चीज। तो मैं एटलीस्ट दो होए बनाने वाला अपने लिए। एंड वेट, मैंने एक और गड़बड़ तो मैंने कर दिया गाइस यहाँ पे, क्योंकि अगर इस सिस्टम को मुझे यहाँ पे जिंदा रखना है तो मुझे यहाँ पर पानी की जरूरत पड़ने वाली है, एंड पानी यहाँ पर है ही नहीं है, इसके असर पानी होना चाहिए। ओ मैं बताऊँ मैंने क्या गड़बड़ करी है, मुझे ये सारे के सारे ब्लॉक्स तोड़ने पड़ेंगे, ये वाले ब्लॉक्स, एंड बाकी काम हो जाएगा गाइस, बाकी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मैं अभी आता हूँ 2 सेकंड में। तो इसको गाइस यहाँ से बाहर के लिए हम लोग ऐसे करके लगाएंगे, एंड ऊपर के ब्लॉक्स मुझे तोड़ने पड़ेंगे एक बार यार। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे कनाल्स वगैरह तो गाइस बना दी है साइड के लिए, एंड यहाँ पर हम लोग पानी वगैरह को डालने वाले हैं। चलो अब एक काम करते हैं, कुछ बहुत ही फालतू का सामान मेरे इन्वेंटरी पे कुछ ना कुछ तो पड़ा हुआ है भाई, ये सब फेंकना पड़ेगा मेरे को एक बारी। ओके एंड व्हाट आई हैव टू डू इज कि मेरे को यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा 2 बाल्टियों के लिए। आ जाओ, एक बाल्टी तू आ जा। एंड यहाँ पर अभी एक इन्फिनाइट सोर्स बनाना पड़ेगा पानी का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे ऐसे करते हुए, और इसको बस धीरे धीरे करके बस नीचे के लिए फ्लो करवाना, दैट्स इट। एक को यहाँ पे और यहीं से उठा के यहाँ पे और यहीं से उठा के यहाँ पे और 2-3 और, बस ऐसे ही करते हुए। देखो गाइस अब यहाँ पर हमारी जो क्रॉप्स है वो पूरे तरीके से एकदम स्वस्थ रहने वाले हैं, ठीक है ना? अब यही सेम चीज़ गाइस मैं दूसरी साइड के लिए भी एक बारी रिपीट करने वाला हूँ। चलो भाई, समथिंग लाइक दिस। एंड अब अगर हम लोग गाइस यहाँ पे होए को मारेंगे तो यस, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होने वाले। इसको फटाफट गाइस मैं इसको कंप्लीट करने वाला अभी फटाफट। आई एम सो हैप्पी भाई, 1 ब्लॉक में जब तुम लोग खाने का जुगाड़ कर लेते हो ना भाई, मैं अभी को मजाक नहीं कर रहा हूँ, अलग लेवल की खुशी होती है। ये लेवल की खुशी बयां नहीं कर सकते हो तुम लोग, ये इतनी नेक्स्ट लेवल खुशी होती है। चलो अब हमारी वीट वगैरह यहाँ पे अच्छे तरीके से उग जाएगी, अलग अलग जगहों पे कुछ अलग अलग चीजें मैं लगाने वाला हूँ, एंड इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होने वाला था, उससे पहले ही टूट गया भाई, वाह ये भी सही है। चलो अभी कंप्लीट हो चुका गाइस, अभी जो पानी दिख रहा है ना, पानी दिखना नहीं चाहिए भाई, ऑनेस्टली बताऊँ पानी दिखना नहीं चाहिए, पानी दिखेगा तो मजा नहीं आएगा। तो इसको मैं ऐसे करके यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ, समथिंग लाइक दिस करके, एंड इसको अगर मैं यहाँ से आई थिंक यूं करूंगा तो ये बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए हमारा पानी यहाँ पे। लेट्स गो, और इसको हम लोग यहाँ से आगे लेके जाएंगे इधर के लिए, हो गया आई थिंक यार। और इसी तरीके से गाइस इस पानी को हम लोग यहाँ पर भी अच्छे तरीके से करेंगे कवर, समथिंग लाइक दिस। आ रहा है भाई, नहीं पीछे पानी डाल दे मैंने, वो मैंने गलती कर दिया बस, है ना? तो पानी को बस उठा के इधर के लिए फिल कर ले, एंड यहाँ से आगे लाते हैं। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स,
हो चुका है हमारा काम, तो हमारा बेसिक सा बेसिक सिस्टम बन चुका है यहाँ पर। बस इस एक को मुझे तोड़ना है, थोड़े बहुत मेरे ब्लॉक्स एक्स्ट्रा पड़े हुए नीचे उनको उठाना है, एंड या ये जो दो है ना हमारे, इनको भी मुझे फिल करना पड़ेगा दोबारा से, एंड इन दोनों को फिल करके इधर घुसेड़ देना भाई, और कुछ नहीं करने का। चलो गाइस, हमारा सिस्टम तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। बस अभी गाइस हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे अपने लिए थोड़े बहुत वीट के सीड्स वगैरह, पोटैटोज वगैरह, कैरेट्स है ना। अरे भाई स्पेस ही नहीं है भाई, मेरी इन्वेंटरी पे स्पेस क्यों नहीं होता यार, मेरे को समझ नहीं आता भाई, बिल्कुल स्पेस नहीं होता भाई इन्वेंटरी के अंदर यार कई बार तो। आई एम सो कन्फ्यूज यार, ऐसा क्यों है भाई मेरे साथ। चलो ये सब मैंने फालतू की चीज फेंक दी अंदर, एंड जो हमारी वीट है वो सबसे पहले मैं सबसे टॉप वाली लेयर पे लगाने वाला हूँ, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है ना। इधर हम लोग लगाएंगे वीट को हर जगह पे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। सबसे टॉप लेयर हमारी वीट वाली ही बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गाइज हम लोग नॉन वेज नहीं खा सकते जब तक तो हमारी क्वीन जैस्मिन है। ओके, ये हमारी एक कंडीशन है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी ये चीज़ वायलेंस पसंद नहीं है इसको, हालांकि वायलेंस तो मुझे ही पसंद नहीं है भाई, बट तभी। और देखो सिर्फ 5 पोटैटोज है फिलहाल को, तो इनको पहले इनके उगने का वेट करना पड़ेगा। एंड फिर इसमें कैरेट में लेकर ही नहीं आया यार, ये भी सही है भाई, कैरेट मेरी वहीं के वहीं रह गई यार। कैरेट के अलावा मैं और क्या, काश हम लोग यहाँ पे एप्पल्स उगा पाते हैं, वाटरमेलन भी उगा सकता, बट वाटरमेलन फिर हमारा ऑटोमेटिक में नहीं आएगा ना भाई, वाटरमेलन हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं बन सकता है टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग के कुछ इसके आएंगे, एंड जो लास्ट के 3 रोज है ना गाइज, ये हमारी आएगी इसकी, हमारे गाजर की। एंड ये मैं कुछ कुछ ऐसे ब्लॉक्स यहाँ मैं प्लेस ही नहीं कर पा रहा हूँ यार, आई एम सो कन्फ्यूज यार। अब गाइज बारी आने वाली है हमारी अगली चीज की, जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होने वाली है मुझे पता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी बहुत सारा आयरन इस्तेमाल करना पड़ेगा उस चीज के लिए। चलो जितना भी हमारा आयरन है सारा का सारा स्मेल्टिंग के लिए लगाते एक बार नीचे, एंड वेयर इज आवर स्मेल्टर, देयर इज द फर्नेस। चलो भाई फटाफट इसको अभी हम लोग गाइज करेंगे स्मेल्ट यहाँ पे, ठीक है। और मैं तुम लोगों को सिस्टम दिखाता हूँ अपना। यह बॉयज एंड गर्ल्स क्या तगड़ा लग रहा है भाई, ओ माय गॉड। अभी मैंने बस एक और चीज़ का ध्यान नहीं दिया, हम लोगों को कलेक्टर भी तो बनाना पड़ेगा जहाँ पर कलेक्ट होगा सारा का सामान हमारा। दिक्कत तो असली वहाँ पे आने वाली है भाई जी। चलो एक चेस्ट, दो चेस्ट, डबल चेस्ट काफ़ी होने वाली है, तो मैं चाहूँगा जितना भी हमारा है ना सारा का सारा पानी वहाँ से भागते भागते इधर के लिए आए। एंड ये हमारा जो सेंटर वाला हिस्सा है आई थिंक इधर ही किधर हम लोगों को लगाना पड़ेगा इसको, तो गाइस इसको यहाँ पर मैंने लगा दिया है। आई थिंक 1-2 चेस्ट को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, एंड हॉपर्स वगैरह की जरूरत पड़ने वाले, तो हॉपर के लिए मुझे एक्चुअली में इसकी जरूरत है यार, थोड़ा स्मेल्ट करना पड़ेगा अपने आयरन को यार। एंड आई थिंक 7 इज इनफ, एंड एक और चेस्ट, एंड आई थिंक जितना मेरे को याद है ऐसे, और आई थिंक ऐसे करके हॉपर बनता है। ओ या लेट्स गो, लेट्स गो, एक हॉपर काफी, हालांकि 2 हॉपर्स की जरूरत होती है गाइस, बट कोई नहीं, एक काफी हो जाएगा हमारा, हम जुगाड़ कर लेंगे अभी यहाँ पे। और मैंने आई थिंक इसको एक एक्स्ट्रा स्टेप ऊपर बना दे, इसको नीचे बनाना चाहिए था मेरे को एक्चुअली में, इसको यहाँ पे एंड इसको यहाँ पर, एंड हॉपर को बस इसके अंदर घुसाने का है। अब देखो गाइस, मान लो मैंने 11 के 11 सीड्स डाले तो सब कुछ यहाँ पे इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांट, एंड बाकी के सिस्टम को ऐसे ही बंद करके रख देते हैं, बस पानी आगे से हमारे इसके अंदर जाना चाहिए, दैट्स इट। चलो गाइस, नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट दिस, ओके। एक बार टेस्ट करने का समय आ चुका है, तो चलो गाइस 1-2-3 प्लीज काम कर जाइए अच्छे तरीके से, प्लीज प्लीज प्लीज, ए ए और ए, सब कुछ यहाँ पर हम लोग करेंगे, सब कुछ नीचे जा रहा है, सब कुछ नीचे जा रहा है, बहुत बढ़िया से जा रहा है, नाइस ब्रो। एंड यहाँ से आते आते एंड ओके दिस इज आर, ओ अंदर गया होता है, पर सिर्फ 4 कैरेट्स एंड 5 पोटैटो, वेट अ सेकंड, सब कुछ साइड से निकल गया हमारे, ये क्या मजाक हुआ भाई। ओके तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ तो है यार, यहाँ पर बीच बीच पानी रुक क्यों रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रही है, ये पानी बीच बीच रुक क्यों रहा है, मेरे को ये चीज समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है गाइस। दोबारा से एक बार इसको अगर मैं ऑन एक्टिवेट करूंगा तो जरा एक बार मुझे दिखाओ कहाँ, हाँ इधर, यहाँ पर पानी रुक रहा है फालतू में ही, वहाँ पर एक हमारी वीट रुक रही है फालतू में ही, और पानी यहाँ से आगे नहीं जा रहा है। ये वाले सिस्टम पे ध्यान देना पड़ेगा भाई अपने को। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे को जो लग रहा है ना मैंने यहाँ पर क्या गड़बड़ करी है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। पहले तो इसको रोको भाई अच्छे तरीके से, इससे पहले कि हमारी क्वीन जैस्मिन यहाँ पर आ जाए एंड वो डिसअपॉइंट हो जाए हमसे, इसको रोक फटाफट भाई। एंड लेट्स डू वन थिंग, ये जो हमारे डिस्पेंसर्स वगैरह, इसको मैंने एक स्टेप पीछे यहाँ पे आई थिंक लगा दिया है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे आगे लगाऊंगा यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स नॉट लाइक दिस, इसको बस एक एक स्टेप आगे के लिए खिसकाना है मैंने यूं यहाँ पे, और आई थिंक एक को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, अब इसके अंदर डाल दे भाई एक एक करके तू सारी की सारी बकेट्स को वाटर की। एंड वेयर इज द वाटर बकेट मैन, एक वाटर बकेट कहीं पे गिरी हुई है, यहाँ पे गिरी हुई है नीचे। चलो अभी प्लीज काम कर जाइयो, प्लीज काम कर जाइयो, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहा हूँ यार, इतनी इजी चीज आई थिंक इससे हमारा सब कुछ हो जाना। देखो वो भी गया, नाइस है ब्रो, यहाँ से ऑलमोस्ट सब कुछ टूट रहा है, इधर का नहीं टूट रहा है सिर्फ यार।
चलो गाइस अब एक काम करते हैं, मैं समझ गया हूँ, ये जो हमारा आखिरी लेयर नहीं टूट रही है ना, इसको मैं यहाँ से एक लेयर छोटा ही कर देता हूँ। क्या ही दिक्कत है, एक लेयर मैंने इसकी छोटी कर दी, इसको बंद कर देंगे यहाँ से और इन सबको तोड़ दो भाई यहाँ पे। हाँ ये हुई ना बात, दिस इज गुड। और आप खो जाना चाहिए शायद से। ए हेलो हेलो हेलो, बस होने वाला काम होने, आप टेंशन मत लो भाई, सब काम होने वाला, अच्छे तरीके से काम होने वाला सब कुछ। बस यहाँ पे इसको यूं करके बंद करना पड़ेगा। गाइस मैं समझ गया भाई मैंने क्या गलती करी है, तुम्हारे भाई ने सब कुछ फिगर आउट कर दिया यहाँ पे, ठीक है गाइस, टेंशन लेने वाली बात नहीं है कोई भी। इसको अगर मैं बंद करता हूँ तो सारा का सारा पानी हमारा रुक जाता है, ठीक है। चलो सबसे पहले गाइस एक काम करते हैं, इसको निकाल यहाँ से और सारी के सारी चेस्टों को तोड़कर अपने इन्वेंटरी पे डाल दे। एंड सबसे मेन चीज है गाइस हमारी ये हॉपर, ये हॉपर नीचे गिरना नहीं चाहिए, बस आ जा, शाबाश मेरे इन्वेंटरी पे आ गया नाइस। अब देखो गाइस मेरे को ना यहाँ से इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां अंदर से जो पानी का फ्लो है वो बाहर के लिए भी आना चाहिए, ठीक है, और जो इधर वाला पानी का फ्लो है वो भी ऊपर से बाहर को आना चाहिए। रुको मैं तुम लोगों को बताता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रखी है। पहले इसको एक बार बंद करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये क्या जादू है, अच्छा यहाँ पर भी, हाँ यार ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, बस I am trying to figure it out easily हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे गाइस, तो जो साइड वाला पानी है वो हमारा आगे के लिए आ रहा है, ठीक है ना, तो एक फ्लो बना रहा है हमारा बेसिकली, ठीक है गाइस। तो यहाँ से इसको तोड़ एक बारी एंड मेरे को इन दोनों को आई थिंक इसके आगे वाले हिस्से पे लगाना पड़ेगा, पहले इसको हटाना पड़ेगा, मैं कहना आई थिंक पानी आ जाएगा दोबारा से, कोई बात नहीं है भाई, इस चीज को बस अपन एक्सटेंड करेंगे आगे के लिए, लेट्स गो। एंड अपनी चेस्ट को यहाँ पे लगाएंगे, लेट्स गो। एंड इसको निकाल कर क्वीन जैस्मिन जी बीजे छेद होने वाला है, आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो, हॉपर को इधर घुसेड़ देंगे भाई जी, आई थिंक हो गया यार। एंड स्टोन के होए को नीचे निकाल कर इसको दोबारा से लगा दे, आ हा 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 हा, अभी आई थिंक गाइस हो जाना चाहिए यार। रुको एक बारी, कोई भी चीज बाहर नहीं गिरनी चाहिए, बस ये मेक श्योर करना है, एक दो, और अगर मैं यहाँ पर तीसरे वाले सिस्टम को आगे के लिए लगाऊंगा, मुझे लगा मैं बार बार गिरने वाला, तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, इसको भी ऑन कर ले। अब देखो गाइस यहाँ पर हमारा कोई भी सामान होगा वो सब कुछ बस वहां जाना चाहिए। दो ये गिराए मैंने, एक ये गिराए मैंने, एक होए गिराई मैंने, देखो पोटैटोज वगैरह गिराए मैंने, बहुत सारे ये सीड गिराए मैंने, सब के सब हमारे जाएंगे तैरते हुए। ए वेट 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 वेट, ये सब कुछ ऐसे बाहर क्यों गिरा है भाई? ऑफ कोर्स ये बाहर तो गिरेगा ना, अरे पागल है भाई, इसको मैं बंद करना भूल गया एक्चुअली में गाइस यहाँ पे यार। हो रहा है वो देखो जादू, अरे हाँ यार जैस्मिन जी, ये पता नहीं क्यों बीच में एक आधी जगह खाली रह रही है यार, मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा जादू यहाँ पर हो क्यों रहा है। यो इधर उधर जल्दी जल्दी जल्दी, यहाँ देखो ठीक हो गया। What the hell? भाई जैसे ही हमारी क्वीन जैस्मिन की नजर पड़ी सब कुछ ठीक हो गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पर भी कर पड़ा, इधर भी देखो आप एक बारी, इधर भी अपनी दृष्टि डालो एक बार इधर आप। यो समथिंग हैपेंड है ना, ये यहाँ पर कुछ तो हमारा पता नहीं अजीब सा। ओह माय गॉड दिस इज नाइस डूड्स। हमारा देखो यार ये ग्लिच वाला सिस्टम तो ठीक हो चुका है, मैं ना एक चीज और समझ चुका हूँ जैस्मिन जी, एक छोटी सी गड़बड़ हो चुकी है मुझसे बेसिकली। मेरे को पहले इस चेस्ट को तोड़ना पड़ेगा गाइस, मैं उस चीज को ठीक करके आता, देखो पहले मैं इसको तोड़ूंगा, ठीक है, मेरे इन्वेंटरी में आ जा वस्तु भाई, लेट्स गो। गाइस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको आगे के लिए खिसकाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए एक ब्लॉक आगे के लिए इसको खिसकाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है। जब इसको हम आगे के लिए खिसकाएंगे एंड जब मैं इसको तोड़ूंगा तो देखो गाइस ये हमारा एज है, ठीक है ना, तो ये हमारा जो एज है ना इन डर्ट्स का, यहाँ से सारा का सारा सामान नीचे गिरने वाला है एंड उसका फ्लो हमारा टुवर्ड्स द सेंटर बनना चाहिए। हाँ इसको भी ठीक करो ना भाई, नजर मारो ना इस पे, आप नजर मारोगे तो सब ठीक हो जाएगा, कम ऑन, यू कैन डू दिस, करो ठीक इसको जल्दी, ट्राई समथिंग। चलो अब आप उछल चुका है, ठीक हो जाना चाहिए, ए कुछ भी नहीं हुआ यार। कोई बात नहीं, इतनी माया भी नहीं है हमारी क्वीन जैस्मिन, बट कोई बात नहीं, मैं समझ चुका हूं। गाइस तुम लोग बस मेरे को 10 सेकंड का टाइम दो, मैं तुम लोगों के पास वापस आता हूँ एंड देन मैं तुम लोगों को बताता हूँ यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। 10 seconds later. All right, boys and girls, I am back. जैस्मिन जी कैसा लग रहा है, क्या ये यहाँ अजीब लग रहा है, अरे रुको इसको मैं ठीक करता हूँ, मैं समझ गया गाइस एक्चुअली यहाँ पर क्या दिक्कत हुई है, हमारी सिमेट्री में गड़बड़ हुई है, तो सिमेट्री की वजह से क्या हो गया कि तुम लोग समझ जाओ। देखो यहाँ पर हमारे दो ब्लॉक्स का गैप है उसके लिए, और वहां पर हमारा एक ब्लॉक का गैप है, ये गड़बड़ हुई है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज करने का। तो मैं काम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम लोग उठाते हैं यहाँ पर एक बारी, ठीक है गाइस, एंड लेट्स डू वन थिंग, इसको मैं यहाँ से लगाने वाला हूँ इधर के लिए। एंड यार भाई मेरे को बार बार होए लगानी पड़ रही है यहाँ पे कसम से, एंड वाटर बकेट को यहाँ पर डालेंगे एंड जैसे गाइस अब हम लोग यहाँ पे इस ओके बटन को लगाएंगे, आई थिंक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। जैस्मिन जी आर यू रेडी टू सी सम मैजिक, चलो एक बार मैं नीचे उतरता हूँ आराम से, हर जगह पर पैसा जो गाइस इसको लगाने वाला, ठीक है ना, हर जगह पर समथिंग लाइक दिस। और क्वीन जैस्मिन भी मेरा इस चीज में साथ दे रही है, देखो तुम लोग भाई ये क्वीन है,
बट स्टिल इसके अंदर वो चौड़ नहीं है कि भैया मैं तो काम नहीं करूंगी, ये चाहती थी काम करना। भाई ये बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ बंदी है, मेरे को काफी ज्यादा पसंद है इसीलिए ये। और यहाँ पर मैंने हर जगह पे लगा दिया है, थोड़े बहुत मेरे पास भी पड़े हुए हैं। जैस्मिन जी मैं भी लगा देता हूँ इसको जरा एक बारी। एंड चलो एक आखिरी वाली लगी, इसको मैं लगा दो, बाकी आप ही लगा दो। लेट्स गो। अभी गाइस देखो मेरा हॉपर कहाँ पर है, हॉपर ये रहा हमारा। एंड जैस्मिन जी अरे यार सॉरी मैंने घर पर कर दिया, इसको भी लगाओ ना यहाँ पे, ये रुको यहाँ पे रुको आप मत लगाओ, मैं यहाँ पे कुछ और लगाता हूँ, रुको। अरे 64 कैरेट्स पड़े मेरे पर, मैं ही लगा देता हूँ यार, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पे जो हमारा हॉपर है, हॉपर को हम लोग लगाएंगे इधर के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा छेद पड़ा हुआ है ना, तो भाई दिक्कत ये हो जाएगी कि यहाँ से नीचे गिर जाएगा माल हमारा, तो इसको मैं यहाँ पर आई थिंक पैक कर लेता हूँ। एंड अब देखो गाइस यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना, हमारी चेस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ पहले मुझे देखना। देख बारी जैस्मिन जी जस्ट गिव मी वन सेकंड, ओके। ओ वेट, हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसे करके। अभी मेरे को बस यहाँ पे ना इसको ऐसे करके बंद करना पड़ेगा, और यहाँ से हम लोग अपनी चेस्ट को आई थिंक एक्सेस कर सकते हैं। वेट लेट मी डू वन थिंग, इनको यहाँ से यूं बंद करना पड़ेगा, एक्चुअली गंदा लग रहा है ये। एंड इसको यहाँ पे करेंगे तो देखो भाई साहब अब यहाँ से हम लोग अपनी चेस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। एंड अभी चेस्ट के अंदर क्या क्या माल है लेट मी चेक वन, कुछ भी नहीं है जैस्मिन जी, कुछ भी नहीं है हॉपर के अंदर, कुछ भी नहीं। आई थिंक अभी काम करना चाहिए, भगवान से दुआ है कि ये काम कर जाए बस और मजे पड़ जाएंगे। रुको एक काम करते हैं ना, सुबह होने का वेट करते हैं यहाँ पर, जब ये सब कुछ उग जाएगा उसके बाद आई विल शो यू द मैजिक। अब आपको दोबारा से यहाँ पर खाना निकालने का काम नहीं करना पड़ेगा, एक बदसूरत वहाँ पर क्या कर रहा भाई, भागे यहाँ से। ऑलराइट क्वीन जैस्मिन जी आर यू रेडी टू सी सम मैजिक, आर यू रेडी टू सी सम मैजिक। हाँ मैं तैयार। वेट मेरे को बस एक चीज करनी है, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ अभी यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होने का। देखो अभी गड़बड़ी हो सकती है कि यहाँ से फ्लो में आता ये उड़ के चला जाए बाहर के लिए, एंड अगर गलती से बाहर के लिए चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको यहाँ पर यूं करके हम लोग बंद कर लेते हैं ना, यूं करके लेट्स गो। जैस्मिन जी आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन, 1 2 3 एंड इसी के साथ सब कुछ जा रहा है, सब कुछ बढ़िया से जा रहा है, सब कुछ यहाँ से नीचे गया एंड सब कुछ यहाँ से हमारा आई थिंक कलेक्ट हो गया। अरे थोड़ी सी कैरेट्स रह गई क्यों भाई ये कहाँ पर, अरे यार थोड़ी सी रह गई भाई, बट सब कुछ कलेक्ट हो रहा है। एंड हमारे हॉपर के अंदर देखो गाइस, अच्छा हॉपर फुल हो गया हमारा, दैट्स व्हाई हमारा हॉपर फुल हो गया। जैस्मिन जी हमारा हॉपर फुल हो गया इसीलिए सामान रुका हुआ है, बट एक बटन दबाते ही थोड़ी देर में सब कुछ गायब हो जाएगा यहाँ से। कैसा लगा हमारा ऑटोमेटिक फार्म आपको बताओ, अच्छा लगा कि नहीं लगा, सच बोलना। ओ माय गॉड भाई मैं तुम लोगों को गाइस सच्ची बता रहा हूँ दिल से, मैंने कोई भी ट्यूटोरियल चेक नहीं किया था भाई, ठीक है ना, ये मैं सोचा कि मैं ट्यूटोरियल देख के आया था यूट्यूब से, भाई खुद अपनी मेहनत से बनाया मैंने ये। जैस्मिन जी ये मैंने अपनी मेहनत से बनाया हुआ सब कुछ, अब बस मुझे एक काम करना है जो कि इसको ऑटोमेटिक बनाना है, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप ऊपर आओ फिर सारे के सारे बटन वगैरह दबाओ एक करके, है ना। तो गाइस देखो यहाँ पे तुम लोग अब एक एक करके, सबसे पहले हमारी कैरेट्स निकल रही है ना, अब देखो जैसे कैरेट यहाँ से निकलेगी ऊपर वाली कैरेट्स हमारे अंदर फिल होती रहेगी, देखो सारी कैरेट फिल हो चुके भाई, लेट्स गो, दिस इज वर्किंग मैन, दिस इज वर्किंग। अब बस मैं काम करने वाला, इसको तोड़ेंगे ठीक है ना, इसको तोड़ेंगे एंड मैं इसको भी तोड़ने वाला हूँ। एंड जैस्मिन जी आपने मुझे बहुत सारे रेड स्टोन दिए थे ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे रेड स्टोन से करेंगे, इसको लेके चलो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, एंड रेड स्टोन को ना मैं गाइस पूरा कवर नीचे लेके जाने वाला हूँ बाय द वे, ठीक है ना, सब कुछ छुपाना पड़ेगा रेड स्टोन को हम लोगों को। तो यहाँ से रेड स्टोन को जब हम लोग यहाँ से आगे के लिए लेके जाएंगे, आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। देखो इसको तोड़ यहाँ पे, एंड अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा और एक बटन को अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो एक्टिवेट हो रहा है, यस, बट एक लिमिट होती है गाइस जिसकी ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है एक रिपीटर बनाया था मैंने इसीलिए, तो रिपीटर को मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंड इसको मैं यहाँ से लगाऊंगा तो आई थिंक हो जाना चाहिए शायद से, अब तो होगा, यस लेट्स गो। क्वीन जैस्मिन कैसा लगा सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार हो चुका है भाई साहब, और मेरे को बस एक बारी और इसको दबाना है एंड आई थिंक वो बंद भी हो जाएगा भाई, दिस इज सो गुड, एक बटन दबाते ही सारा का सारा खाना भरा जाएगा हमारा। Yeah boys and girls, तुम्हारा भाई प्रो है यहाँ पर बहुत तगड़े वाला। चलो कैसे काम करते हैं ना, अब यहाँ पर मैं बहुत सारे प्लैंक्स बनाकर इसको मैं इधर के लिए लगा देता, आप कितने मेहनती हो, अरे थैंक यू सो मच, बट ये मेहनत मैंने एक्चुअली आपके लिए करी है, मैं चाहता नहीं था कि आप यहाँ पर ना काम करते रह जाओ यार मेरे वर्ल्ड में, बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं यहाँ पे आपको लाइक थोड़ा खुश रखना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई मैंने ये चीज करी है। अब हर जगह पे गाइस मेरे को बस एक ही काम करना जो कि यहाँ पर ये ब्लॉक्स वगैरह लगाना, बट जितने भी एक्सेस ब्लॉक्स है वो सारे के सारे तोड़ना। बस अब एक काम करते हैं ना, मेरे पास एक आइडिया है यहाँ पर गाइस, क्यों ना मैं अपने लिए थोड़ी बहुत लैडर्स वगैरह बनाऊँ। अब सपोज ऊपर चढ़ने की अगर नौबत आ गई तो 3 लैडर्स होनी भी तो चाहिए ना अपने पास, तो 1 2 3 इनफैक्ट मैं एक और लैडर यहाँ पर अभी बनाने वाला हूँ, यूं करके यहाँ से हम लोग ऊपर इजिली चढ़ सकते हैं, और यहाँ पर
इसको बस बंद करना ऐसे करके, यूं करके। चलो भाई ये वापस लगाना। हाँ हाँ वो वाला काम तो है। तो क्वीन जैस्मिन जी आप टेंशन मतलब, वो सारा काम मैं करने वाला हूँ, ठीक है ना। इसको दोबारा से लगाने वाला काम हर बार मैं करूंगा, एक बार बस खाना निकल जाए हमारा, दैट्स इट। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं इस चीज की, वो सब काम मेरा है। चलो गाइस अब एक काम करते हैं, जो हमारे यहाँ पे रॉ माल पड़ा हुआ है ना, इसको दोबारा से लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड एक सबसे बड़ी गड़बड़ है भाई, ये चीज ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हैव टू मेक सम मोर लैडर्स यार, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। इकलौती चीज जो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो यही है, मेरे को बार बार छलांगे मार के उतरना पड़ता है, तो इससे क्या होता है यहाँ पे हमारी क्रॉप्स वगैरह वेस्ट हो रही है यार। तो इसको तोड़ और इसको इस पर्टिकुलर कोने पे लगा और इस पर्टिकुलर कोने पे लगा, ठीक है ना भाई। चलो अब हर जगह पे मैं इसको रिफिल करके आता एक बारी। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, हर जगह पे दोबारा से खेती उग चुकी है। हाँ जी जैस्मिन जी, आर यू सेटिस्फाई? सच्ची सच्ची बोलना मेरे को यार, अच्छा लगा कि नहीं लगा? देखो मुझे पता ही है दिखने में उतना सुंदर लग नहीं रहा है, बट यार मेरे भाव पे जाओ आप, ठीक है ना। अभी मस्त लग रहा स्मार्टी जी, चलो बढ़िया हो गया। चलिए अब आपको फालतू में, देखो सुनो, अब आपको फालतू मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये बटन है ना, उगेगा, बटन दबाना है, सब कुछ यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा हमारे पास, कम से कम एक हफ्ते का खाना आ जाएगा, बाकी मेहनत करने का काम मेरा, ठीक है ना। अभी गाइस मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, जब तक हमारी क्रॉप्स वगैरह दोबारा से उग रही है, क्यों ना मैं यार थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करते हैं, इस पर्टिकुलर फेज को भी खत्म करने की जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं ना, मैं जितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते आगे का काम। ओ ओ ओ माय गॉड, जैस्मिन जी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, चेक दिस आउट, यहाँ पर क्या आया? वेट 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 वेट, यहाँ पर बहुत सारे बोन्स वगैरह पड़ी थी मेरे पास, मेरे को बोन्स चाहिए, मेरे को बोन्स, वेयर इज बोन्स, वेयर इज बोन्स, वेयर इज बोन्स? हाँ वहाँ पर बोन्स है, छह बोन्स पड़ी हुई है। हेलो डॉगू डॉगू, मैं आपके लिए क्या, इधर इधर लो लो लो, आप लो, हाँ आप इसको टेम करो, करो करो करो, ओ लेट्स गो, क्वीन जैस्मिन का बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर आ चुका है, इसको लेके अपने घर में जाओ ऊपर। इसका नाम क्या रखोगे आप मुझे बताओ एक बारी, क्या नाम? आप मुझे ना वो बोन्स पकड़ा दो यार, वो बड़ी काम की चीज है। आप इसका नाम क्या रखने वाले, कुछ सोचो। एज़ियो रखोगे आप इसका नाम? नहीं, डॉगी का नाम एज़ियो नहीं है, ये कितना क्यूट है यार, देखो तरह इसकी शक्ल एक बारी। एज़ियो नाम नहीं रख सकते आप इसका, बाकी कोई और नाम रखो आप इसका, है ना। सोचो एक बारी भाई साहब, भाई हमारे पास लिटरली एक डॉगी आया यार, कितनी खुशी की बात है ये। आई एम सो हैप्पी टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैं बहुत खुश हूं अभी। वेट वेट, तेरी पकौड़े, तेरी पकौड़े, आप मत आना, क्वीन जैसी मत आना, इधर मत आना, मत आना, मत आना, ठीक है ना, आप मत आना बिल्कुल भी नहीं, खतरा यहाँ पे, खतरा यहाँ पे। इसकी ऐसी की तैसी पकौड़ा कहीं का, भाई साहब 2 सेकंड के लिए डरा दिया इसने मेरे को यार, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। स्मार्टी जी ये देखो क्या, ये देखो क्या हुआ, हमारी क्रॉप्स कहाँ गई है? वेट क्या मतलब, अभी अभी हम लोगों ने इतनी सारी क्रॉप्स, यो What? No, एक सेकंड, ये आप अभी अभी आए जस्ट यहाँ पे, और ये क्रॉप्स यहाँ पे नहीं थी, आर यू श्योर अबाउट दैट? वेट, अरे बटन दबा दिया होगा ना आपने गलती से, सारे के सारे क्रॉप्स यहाँ पे आ गए, देखो यहाँ पे 16, वेट सिर्फ एक कैरेट है यहाँ पे, हॉपर भी खाली है, आर यू श्योर कि आपको नहीं पता कहाँ पर है? है? ये क्या मजाक है भाई, मुझे नहीं पता कहाँ गई, वेट अ सेकंड, अगर आपको नहीं पता कहाँ गई, मुझे नहीं पता कहाँ गई, तो सारी की सारी क्रॉप्स गई तो गई कहाँ पे? ब्रो दिस इज सो वियर्ड, एक सेकंड रुको भाई, मेरा पानी वगैरह सारा इधर ही है, क्या लिख रही है? मैं आसपास देख कर आती हूँ, बी केयरफुल, ओके बी केयरफुल, आराम से जाओ, आराम से रुको, सारा का सारा पानी वही है भाई। हेलो हमारी क्रॉप्स कहाँ गई भाई, हम दो के दो लोग हैं यहाँ पे, हमारे अलावा और यहाँ पर कोई भी नहीं है, पानी तो काम कर रहा है अच्छे तरीके से यार, ब्रो दिस इज सो वियर्ड। चलो जब तक भाई वो आसपास देख रही है भाई, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको दोबारा से खोदना स्टार्ट करता हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, टू बी ऑनेस्ट यार भाई, आई एम सो कंफ्यूज, या तो फिर किसी जानवर ने कर दिया, तो फिर कुछ और हो गया। क्या लिख रही है? स्मार्टी जी ऊपर देखो, ये कौन है, मतलब अरे मेरे पीछे पड़ा हुआ बसुरा, रुक जा, कौन है ऊपर? जैस्मिन जी कौन है ऊपर, कहाँ पर है ऊपर, कौन घर के पास? What? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अबे ये तो वो है स्ट्रेंज मैन, हमारी वन ब्लॉक मॉडर्न वन ब्लॉक सीरीज का बंदा। अबे पकौड़े साले तू यहाँ पर कर क्या रहा है? तेरी इतनी मजाल, तू हमारे इस वाले वन ब्लॉक के वर्ल्ड में भी आ गया भाई। वहां पर इसने इतनी दादागिरी दिखाई थी ना मॉडर्न वन ब्लॉक के अंदर, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर। तलवार क्या निकाल रहा है पकौड़े, है तलवार क्या निकाल रहा है? तेरे को जो मैं खड़े खड़े मार सक, तेरे को मैं इतने बुरे तरीके से मारूंगा ना, याद करेगा स्मार्टी जी,
बच कर रहना, ये डेंजरस लग रहा है। अबे अरे कोई जैस्मिन, ये डेंजरस नहीं, इसका पिताजी हूं मैं डेंजरस गिरी में, तेरे को तो भाई मैं ऐसे ना यहाँ पे कच्चा खा जाऊंगा कि तू दिखा यहाँ पे। क्वीन जैस्मिन को गलती से भी धमकी मारी, टच करने की कोशिश करी, तेरे को काट के रख दूंगा मैं, समझा। इस वर्ल्ड में हम दो लोग खेलते हैं, तेरी यहाँ पर किसी को कोई जरूरत नहीं है, भाग जाए यहाँ से तुझे। ए, 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 टेलीफोन कर, वेट, तेरी ऐसी की तैसी साले पैंस की तेरी। अरे मेरे पास आर्मर नहीं, भाग 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 स्मार्टी। क्वीन जैस्मिन आप कहाँ पर हो, जल्दी, वेयर आर यू? मैं छुपी हूँ, यहाँ छुपे रहो, आप छुपे रहो। अबे ये कर क्या रहा है, भाग यहाँ से। ओ नो, ये बदसूरत यहाँ पर क्या कर रहा है? ओके, मेरी एक्स छूटने वाली है। नो वे शूट मेरी, भाग जा यहाँ से पकौड़े, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तू मरने वाला का। तूने मेरी क्वीन जैस्मिन को टच भी करने की कोशिश करी तो तू गया। ओ माय गॉड, नो, भाग, तेज, खाने का। वेट, व्हाट द हेल, ये कहां चला गया बंदा? बड़ा अजीब सा बंदा यार, जैसे ही मेरे पास इसको मारने का मौका मिला उसी टाइम पर ये बंदे ने खुद को यहां से भाग गया। वेट, मैं अपने लिए गाइस एक तलवार बना के रखता हूं, तलवार बना के रखूंगा ना तो इससे क्या होगा, मैं खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊं क्या। स्मार्टी जी बचाओ मुझे, ये टेलीपोर्ट कर रहा है मुझे खुद पर। वेट, अरे नहीं, ओ नो, भाई बचाओ मुझे, नहीं, वेट, अरे भाई ये ले जाएगा। अगर तूने गलती से भी मेरी क्वीन जैस्मिन को कुछ भी किया तो तू गया मेरे हाथ से बेटे, दरवाजा खुले यहाँ का। ब्रो ये क्वीन है हमारी, इसको बचाना मेरा धर्म है भाई यार। ब्रो डोंट टेल मी कि क्वीन जैस्मिन को नेदर के अंदर ले गया है। ब्रो उसने किडनैप कर दिया क्वीन जैस्मिन को, क्वीन जैस्मिन हैज बीन किडनैप्ड, व्हाट द हेल। सो गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब सी एंडिंग होगी यार, मैं तो क्वीन जैस्मिन को खुश करने वाला था कि लाइक ऑटोमेटिक फार्म वगैरह बना के, और भी मैंने कुछ चीजें प्लान करी थी उस बिल्ड करने के लिए, बट यार ब्रो ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई। आई थिंक मेरे को अब क्वीन जैस्मिन को रेस्क्यू करने के लिए जाना पड़ेगा एक बारी। सो यार गाइस तुम लोग मुझे टिप्स वगैरह दो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सामान ही नहीं है भाई, मेरे पास तो आयरन भी इतना नहीं है कि मैं अपने लिए लाइक पूरा का पूरा आर्मर वगैरह बना सकूं उससे लड़ने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में गाइस मैं क्वीन जैस्मिन को 100% बचाने वाला हूँ, तब तक अगर तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया तो लाइक जरूर कर दो, लाइक गेम जैसे कंप्लीट होगा क्वीन जैस्मिन को मैं बचा के जरूर वापस लेकर आऊंगा। भाई मैं जा रहा हूँ यार अभी, यार मेरे को बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा भाई अभी। ओके गाइस बाय बाय।